गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज आपने धोरण 5 व्याकरण ने अंदर आपने लिंग परिवर्तन जोईशुं। बराबर, तो विद्यार्थी मित्रों लिंग परिवर्तन एटले शुं? तो लिंग ना बे प्रकार छे। बराबर, तो एक पुल्लिंग અને બીજો છે સ્ત્રીલિંગ। તો લિંગ પરિવર્તનના બે પ્રકાર, પુલ્લિંગ અને સ્ત્રીલિંગ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પુલ્લિંગ કોને કહીશું? તો પુરુષ જાતિ કો, પુરુષ જાતિ કો सूचित करने वाले शब्द, उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों पुल्लिंग कोने कहसु? पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द, पुरुष जाति, आदमी, कोई राजा, बंदर, कौवा, तोता, कुत्ता, चूहा, बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों पुल्लिंग पुरुष जात, नर जात, एने आपणे शुं कहीशुं? पुल्लिंग। जी पुल्लिंग स्त्रीलिंग कोने कहीशुं? तो विद्यार्थी मित्रों स्त्रीलिंग कोने कहीशुं? स्त्री जाति को, स्त्री जाति को सूचित करने वाले शब्द, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग स्त्री जाति एटले एक नारी जाति नो उल्लेख करवामां आव्यो छे। बराबर विद्यार्थी मित्रों नारी जाति कोने कहीशुं? औरत, महिला, स्त्री। बराबर, महिला, रानी, बंदरिया, चूहिया, बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों लिंग परिवर्तन ना बे प्रकार, पुल्लिंग अने स्त्रीलिंग। पुल्लिंग कोने कहसु? पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। स्त्री जाति को सूचित करने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं आपणे पुल्लिंग अने अहीं आपणे સ્ત્રીલિંગ પરીક્ષાની અંદર પૂછાશે। બરાબર, તો પુલ્લિંગ કોને કહીશું અને સ્ત્રીલિંગ કોને કહીશું? શિક્ષક, તો એનું સ્ત્રીલિંગ શિક્ષિકા। સરસ, બરાબર। પછી અધ્યાપિકા, બંદર, બંદરિયા, લેખક, લેખિકા, સ્ત્રીમાં ઉલ્લેખ કરવાનો છે। બરાબર, પુરુષ, તો
स्त्री। लड़का लड़की। मोर मोरनी। मोर तो मोरनी। राजा रानी। बेटा बेटी। हाथी हथिनी। सिंह सिंहनी। गदा गदी। तो विद्यार्थी मित्रों अपने पुल्लिंग अने स्त्रीलिंग जोयुं बराबर। तो एक्जाम्पल तरीके अपने आ उदाहरण जोयुं। आपने शुं जोयुं आ उदाहरण। शिक्षक शिक्षिका। अध्यापक अध्यापिका। बंदर बंदरिया। लेखक लेखिका। पुरुष स्त्री। लड़का लड़की। मोर मोरनी। राजा रानी। बेटा बेटी। हाथी हथिनी। सिंह सिंहनी। गधा गधी। चूहा तो शू आवशे चूहिया। चूहा चूहिया। देवता देवी। घोड़ा घोड़ी। मित्र सहेली। गायक गायिका। पिता माता। बाप माँ। दादा दादी। मामा मामी। बराबर। आपणे पुल्लिंग लखीशुं अने स्त्रीलिंग लखीशुं। पुल्लिंग पुल्लिंग नी अंदर नर जात पुरुष जात अने स्त्रीलिंग नी अंदर नारी जात। बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों तमने आवडशे ज बराबर। तो तमारे आ व्याकरणनी नोट ना बनावो तो भी चालशे, कशु वांधो नथी। हिंदीनी नोटनी अंदर लखजो लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तनना बे प्रकार पुल्लिंग अने स्त्रीलिंग। पुल्लिंग कोने कहीशू? पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द पुल्लिंग कहते हैं। स्त्री जाति को सूचित करने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग अने स्त्रीलिंग। शिक्षक शिक्षिका। अध्यापक अध्यापिका। बंदर बंदरिया। लेखक लेखिका। पुरुष स्त्री। लड़का लड़की। मोर मोरनी।
राजा रानी बेटा बेटी हाथी हथिनी सिंह सिंहनी गदा गदी मामा मामी चूहा चूहिया देवता देवी घोड़ा घोड़ी मित्र सहेली गायक गायिका पिता माता बाप माँ दादा दादी। तो विद्यार्थी मित्रों आ लिंग परिवर्तन तमारे तमारी हिंदी ने नोटबुक्स नी अंदर लखवानू रहेशे तैयार करवानू रहेशे। तो विद्यार्थी मित्रों आ लिंग परिवर्तन तमे जोईने लखी सको छो। आ लखायुं तेवी रीते गृह कार्यमां बीजा 10 लिंग परिवर्तन तमारी नोटबुक्स नी अंदर बनावाना रहेशे तैयार करवाना रहेशे। આગળનો અભ્યાસ આગળના વિડીયોમાં જોઈશું। નમસ્કાર।